हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जियोमैटिक्स इंजीनियरिंग। और आज के इस लेक्चर में हम गेट के एग्जाम से रिलेटेड, जो हमारा सेक्शन ए में जीआईएस का पोर्शन है, उससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज को सॉल्व करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ जीआईएस। फादर ऑफ जीआईएस किसे कहा गया है? यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हुए हैं, जॉन स्नो, रॉबर्ट टॉमलिंसन, जेक डेंगरमॉन्ड, माइकल गुडचाइल्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है रॉबर्ट टॉमलिंसन। तो रॉबर्ट टॉमलिंसन को जो है फादर ऑफ जीआईएस के नाम से जाना जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, हु शोज ओरिजिनल मैप शोइंग द आउटब्रेक ऑफ कॉलरा अगेंस्ट द लोकेशन ऑफ द वाटर पंप्स एंड इन विच ईयर। जीआईएस का जो सबसे पहला मैप बनाया गया था वो कॉलरा मैप को रिप्रेजेंट किया गया था कि कैसे वाटर पंप से कॉलरा जो है आउटब्रेक हो रहा है। तो इस मैप को सबसे पहले किसने बनाया था और कौन से ईयर में बनाया था? यहाँ पे भी चार ऑप्शन है आपके पास, जॉन स्नो 1854 में, रॉबर्ट टॉमलिंसन 1854, जॉन स्नो ने 1867 या फिर जॉन स्नो ने 1888 में बनाया था। उसका जो करेक्ट आंसर है ए, जॉन स्नो 1854 में इन्होंने ये कॉलरा का पहला जीआईएस का मैप बनाया था, जीआईएस के थ्रू रिप्रेजेंट किया था कॉलरा आउटब्रेक को। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हु इज द फाउंडर ऑफ एसरी। एसरी की फुल फॉर्म की बात करें तो एनवायरमेंटल सिस्टम रिसर्च इंस्टीट्यूट, एंड इन विच ईयर वॉज इट फाउंडेड। एसरी के फाउंडर का क्या नाम है और कौन से ईयर में इसको एस्टेब्लिश किया गया था? यहाँ पे भी चार ऑप्शन है आपके पास, रॉबर्ट टॉमलिंसन ने 1969 में, जैक डेंगरमॉन्ड ने 1969 में, सी माइकल गुडचाइल्ड ने 1980 में, डी जॉनसन ने 1854 में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जैक डेंगरमॉन्ड ने 1969 में जो है एसरी को एस्टैब्लिश किया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है जो ये जीआईएस ऑपरेशन से रिलेटेड है, तो विच ऑपरेशन वर्क ऑन सिंगल सेल लोकेशंस वेयर द वैल्यू ऑफ एन आउटपुट सेल इज डिटरमाइंड बाय अ सिंगल इनपुट सेल। कौन से ऑपरेशन जो है वो सिंगल सेल लोकेशन पे वर्क करता है? इनपुट सिंगल सेल में देंगे तो आउटपुट सिंगल सेल में हमें मिलेगा। तो यहाँ पे चार ऑप्शंस हैं, लोकल ऑपरेशन, ग्लोबल ऑपरेशंस, फोकल ऑपरेशनल और जोनल ऑपरेशन। कौन सा ऑप्शन सही है इसके लिए? तो इसका करेक्ट आंसर है लोकल ऑपरेशन। तो लोकल ऑपरेशन ही जो है जो कि सिंगल सेल लोकेशंस पे वर्क करता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विच ऑपरेशन वर्क ऑन सेल लोकेशंस विद इन अ स्पेसिफाइड नेबरहुड अराउंड ईच इनपुट सेल। इसमें क्या होता है, ऑपरेशन जो वर्क करता है इनपुट सेल के नेबरहुड सेल्स को भी कंसिडर करते हुए। तो ये जो है कौन सा ऑप्शन में से करेक्ट है, लोकल, ग्लोबल, फोकल या फिर जोनल? तो इसका करेक्ट आंसर जो है फोकल ऑपरेशन। फोकल ऑपरेशन जो है इनपुट सेल के साथ साथ इसके नेबरहुड सेल्स को भी कंसिडर करते हुए आउटपुट प्रोवाइड कराता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विच ऑपरेशन कंप्यूट आउटपुट वैल्यूज बेस्ड ऑन द एसोसिएशन ऑफ ईच सेल लोकेशन विद इन अ कार्टोग्राफिक जोन। तो इसके भी चार ऑप्शंस है, लोकल, ग्लोबल, फोकल और जोनल। तो इसका करेक्ट आंसर जोनल है, क्योंकि एक पूरे जोन को कंसिडर करते हुए आउटपुट प्रोवाइड कराता है। इसके बाद सेम अगला क्वेश्चन भी इसी ऑपरेशन से रिलेटेड ही, मैंने चारों क्वेश्चन इससे रिलेटेड इसलिए रखे हैं ताकि आपको ये चारों टर्म्स जो है इनका क्या मतलब है, क्या डेफिनेशन है, वो आपको समझ में आ जाए। तो चौथा क्वेश्चन है, विच ऑपरेशन कंप्यूट आउटपुट वैल्यूज बाई कंसिडरिंग ऑल सेल्स कम्बाइंड। ऑल सेल्स कम्बाइंड की बात कर रहे हैं हम लोग, फ्रॉम वेरियस इनपुट रास्टर डेटा सेट। तो यहाँ पे भी हमारा लोकल, ग्लोबल, फोकल और जोनल ऑप्शन है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ग्लोबल ऑपरेशन है, क्योंकि यहाँ पे टर्म से ही आप समझ सकते हैं ग्लोबल की बात हो रही है, मतलब ऑल सेल्स को एक साथ कंबाइन करके वेरियस इनपुट डेटा सेट यूज किया जा रहा है आउटपुट के लिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि इन जीआईएस विच ऑप्शन डज नॉट कम अंडर एट्रीब्यूट ऑपरेशन। यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हुए हैं, सेलेक्टिंग, ज्वाइनिंग, ओवरलेइंग, कैलकुलेटिंग। इन चारों में से जो है कौन सा एट्रीब्यूट ऑपरेशन के अंडर में नहीं आता है? तो सिलेक्शन की बात करें तो ये भी एक एट्रीब्यूट ऑपरेशन है, ज्वाइनिंग भी जो है हम एट्रीब्यूट ऑपरेशन के लिए करते हैं, कैलकुलेशन भी जो एट्रीब्यूट्स पे ही करते हैं, ओवरलेइंग जो है ये स्पेशल ऑपरेशन में यूज किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो ओवरलेइंग है, क्योंकि एक स्पेशल ऑपरेशन के अंडर में आता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि वी कैन डाउनलोड सैटेलाइट इमेजेस फ्रॉम विच ऑफ द वेबसाइट। यहाँ पे चार ऑप्शन है, दिवा जी आई एस, एसरी, ओपन डेटा हब, नासा सेडैक और USGS अर्थ एक्सप्लोरर। इन चारों वेबसाइट में से कौन सी वेबसाइट है जो हमें सैटेलाइट इमेजेस प्रोवाइड करा सकती है? तो इसका करेक्ट आंसर है USGS अर्थ एक्सप्लोरर। बाकी की वेबसाइट जो है ये हमें शेप फाइल में डेटा या फिर एट्रीब्यूट इन्फॉर्मेशन जैसे डेटा प्रोवाइड कराते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विच टर्म इज रिलेटेड टू रास्टर। यहाँ पे चार ऑप्शन है, आर्क, नोड्स, टेसिलेशन, वर्टाइसेस। ये चार ऑप्शन में से कौन सा टर्म है जो रास्टर से रिलेटेड है? तो इसका करेक्ट आंसर है टेसिलेशन। टेसिलेशन क्या होता है, जैसे कि
बैकग्राउंड वाली इमेज में देख रहोगे, किसी एरिया को कवर करने के लिए जब सेम टाइप के ज्योमेट्री का इस्तेमाल किया जाता है उस पूरे एरिया को कवर करने के लिए, तो इसको टेसेलेशन बोला जाता है। जैसे कि रास्टर जो है ग्रिड से कवर होता है, छोटे छोटे स्क्वायर पीसेस से कवर्ड होता है, और सबसे ज्यादा टेसेलेशन में जो है स्क्वायर का इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए रास्टर जो है ये टेसेलेशन टर्म से डिफाइन होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विच वन इज एग्जाम्पल ऑफ डिस्क्रीट फीचर। डिस्क्रीट फीचर क्या होते हैं? जो कि अर्थ सर्फेस पे हर जगह अवेलेबल नहीं होते हैं, कहीं कहीं पे होते हैं। तो जैसे कि ऑप्शंस की बात करें तो टेम्परेचर, एलिवेशन, वाटर बॉडी और सॉइल, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा जो है डिस्क्रीट फीचर का एग्जाम्पल है? तो इसका करेक्ट आंसर जो है ये वाटर बॉडी है, क्योंकि वाटर बॉडी जो है अर्थ सर्फेस पे आपको हर जगह नहीं मिलेगा, कहीं कहीं पे वाटर बॉडीज है। टेम्परेचर और एलिवेशन जो है हर जगह अर्थ सर्फेस पे, सॉइल जो है हर जगह अर्थ सर्फेस पे, कुछ ना कुछ वहाँ का टेम्परेचर होगा, एलिवेशन होगा, कोई ना कोई सॉइल होगी, तो इसीलिए डिस्क्रीट फीचर जो है ये हर जगह अर्थ सर्फेस पे अवेलेबल नहीं होते हैं, तो ये वाटर बॉडीज का करेक्ट आंसर है। इसके बाद सेम जो अगला क्वेश्चन है कि विच वन इज एग्जाम्पल ऑफ कंटिन्यूअस फीचर। कंटिन्यूअस फीचर क्या होता है? अर्थ सर्फेस पे जो हर जगह अवेलेबल हो। यहाँ पे भी चार ऑप्शन है आपके पास, वाटर बॉडी, सेटलमेंट, वेजिटेशन, टेम्परेचर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा टेम्परेचर, क्योंकि अर्थ सर्फेस में कहीं पे भी आप चले जाओ वहां का कहीं पे कुछ ना कुछ टेम्परेचर होगा, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो पर वहां का टेम्परेचर कुछ ना कुछ होगा। तो ऐसे फीचर्स को कंटिन्यूअस फीचर्स कहते हैं। के बाद अगला क्वेश्चन है, विच वन इज नॉट अ रास्टर इंटरपोलेशन मेथड। सबसे पहले मैं बता देती हूँ रास्टर इंटरपोलेशन मेथड क्या होता है, इनका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है। तो जैसे कि कुछ फीचर होते हैं अर्थ सर्फेस पे जिनको अर्थ सर्फेस पे जाके हर जगह जाके आप मेजर नहीं कर सकते, हर जगह की सॉइल आप जाके इकट्ठा नहीं कर सकते, तो ऐसे केसेस में जो हम इंटरपोलेशन मेथड अप्लाई करते हैं। मतलब अर्थ सर्फेस पे आपने कुछ कुछ जगह के सैंपल डेटा कलेक्ट कर लिए और उस डेटा को यूज करके आप उस वाले नेबरहुड वाले जो एरिया है उसको मैप करते हो, फिर तो उस मैप और फिर इसको डिस्क्रीट से कंटिन्यूअस रास्टर डेटा में कन्वर्ट करते हो, तो ये मेथड जो है ये रास्टर इंटरपोलेशन मेथड कहलाता है। तो यहाँ पे भी ऐसे ही ये तीन मेथड्स की बात की हुई है, तो इनमें से कौन सा जो है वो इंटरपोलेशन का मेथड नहीं है? तो यहाँ पे चार ऑप्शंस है, IDW, क्रिगिंग, स्प्लाइन और नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है नन ऑफ दी अबव, क्योंकि IDW, क्रिगिंग, स्प्लाइन ये तीनों ही जो है ये इंटरपोलेशन मेथड है रास्टर के। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि दिस एग्जांपल रिप्रेजेंट विच टाइप ऑफ डेटा इनकोडिंग। द एग्जांपल जो ये रिप्रेजेंट करता है कि कैसे डिस्क्रीट फीचर को स्टोर करते हैं हम, और उस स्टोर करने के बहुत सारे डेटा इनकोडिंग के मेथड होते हैं, तो जिसमें से यहाँ पे एक एग्जांपल शो किया हुआ है और आपको बताना है इस एग्जांपल को देख के कि कौन से टाइप ऑफ डेटा इनकोडिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर बात करें तो ये जो ब्लैक वाले सेल्स हैं ये वन को, मतलब कि कोई डेटा है यहाँ पे, इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो व्हाइट वाले सेल्स हैं ये जीरो है, मतलब कि कोई डेटा या नल डेटा है, नो डेटा है यहाँ पे। तो इसको जो है रीड करने का तरीका क्या है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 1154, रो 5 की बात करें तो सिर्फ यहाँ पे रीड किया जा रहा है उस डेटा को जहाँ पे कुछ अवेलेबल है, वन नंबर है। ये फिफ्थ रो में जो है पहला सेल जो है हमारा, पहला सेल जो है पहला सेल पे शुरू होके और पहले सेल पे ही एंड हो जा रहा है, उसके बाद तीन जो है हमारे फिर नो डेटा है, फिर फिफ्थ सेल पे शुरू हो रहा है डेटा स्टार्ट, और फिर चार सेल के बाद ये खत्म हो जा रहा है, एंड हो जा रहा है। तो ऐसे करके इसकी काउंटिंग की गई है, बिगिनिंग सेल जो है वो, और वो आफ्टर कितने सेल पे एंड हो रहा है जहाँ पे डेटा एग्जिस्ट करता है उसकी रीडिंग लिखी गई है। तो सेम ये नेक्स्ट रो के लिए, रो 6 के लिए फर्स्ट रो से शुरू हुआ है और अप टू 8 रो तक ये है। सेम नेक्स्ट रो के लिए भी, उसके नेक्स्ट रो में सेकेंड रो से शुरू हुआ है और बस एक सेल में ही ये खत्म हो गई है वैल्यू। उसके बाद अगेन फिफ्थ सेल पे शुरू हुई है और चार सेल के बाद ये खत्म हो गई है। एक तो ये तरीका है इसको रीड करने का, और दूसरा एक और तरीके से इसको रीड किया गया, इसमें भी सेम जो है फर्स्ट पे शुरू हुई है, फर्स्ट पे खत्म हुई है, यहाँ से आपको समझ में आएगा फिफ्थ पे शुरू हुई है और 6, 7, 8 पे खत्म हुई है। यहाँ पे काउंट नहीं लिख रहे हैं कि आफ्टर कितने सेल्स के बाद खत्म हुई है, यहाँ पे रो की नंबरिंग लिख रहा है, फिफ्थ से शुरू हुई है और ये 8 पे खत्म हो गई है। तो ये लेंथ को हम लोग लेंथ वाइज लिख रहे हैं, तो लेंथ वाइज लिख रहे हैं, तो ये क्या हो गया, कौन सी टाइप ऑफ इनकोडिंग है, रन लेंथ इनकोडिंग। बहुत सारे डेटा को स्टोर करने के बहुत सारे मेथड है, रन लेंथ इनकोडिंग, चेन इनकोडिंग, ब्लॉक इनकोडिंग, क्वाट्री, तो उसमें से ये वाला जो मेथड है ये रन लेंथ इनकोडिंग से को रिप्रेजेंट करता है ये एग्जांपल। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल जो है कौन से टाइप को रिप्रेजेंट करता है, उसमें आप देख रहे होंगे ब्लॉक्स बने हुए हैं, मतलब ब्लॉक वाइज रीडिंग हो रही है। कैसे, फिफ्थ नंबर पे जो है, फिफ्थ रो पे जो है पहली सेल से शुरू हो रहा है, बस सिंगल सेल तक
ये एक ही ब्लॉक में कवर किया हुआ है और वैल्यू यहाँ पे 2 है। सेवेंथ सेल की बात करें तो यहाँ से शुरू हुआ है और ये एक पूरा ये ब्लॉक बन रहा है, 2 रेडियस तक ये गया हुआ है, 1-2 सेल। और सेवेंथ सेल में फिर थर्ड, ये थर्ड नंबर से शुरू हुआ है और ये फिर 2 रेडियस तक गया हुआ है और वैल्यू 2 मिल रही है हमें यहाँ पे। फिर एट्थ रो में आ जाते हैं तो एट्थ रो पे सेकंड जो नंबर है यहाँ पे भी बस सिंगल सेल में वैल्यूज हैं, ज्यादा रेडियस नहीं है तो रेडियस बस 1 ही है यहाँ पे क्योंकि सिंगल सेल पे है। पर जैसे यहाँ पे फिफ्थ नंबर पे आते हैं तो ये पूरा रेडियस इसका 4 है क्योंकि 4 सेल्स यहाँ से जो आपको एक पूरा स्क्वायर ब्लॉक मिल रहा है, 4 रेडियस तक गई और वैल्यू 2 मिल रही है। तो ऐसे ब्लॉक वाइज रीडिंग का की जा रही है तो इसलिए ये एग्जांपल है किसका, ब्लॉक एनकोडिंग का। ऐसे एग्जांपल देके आपको आ सकते हैं एग्जाम में कि ये कौन से टाइप ऑफ एनकोडिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ DIME। तो DIME का फुल फॉर्म क्या है, इन चारों ऑप्शन में से डुअल इंडिपेंडेंट मैप एनकोडिंग, डबल इंडिपेंडेंट, मेजर एनकोड, डुअल इंडिपेंडेंट मैप इन कोड या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है पहला वाला, डुअल इंडिपेंडेंट मैप इन कोडिंग। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज नॉट अ DBMS सॉफ्टवेयर, इन चारों ऑप्शंस में से DBMS का सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, ओरेकल, साइबेस, पावर BI। तो इसमें से जो पावर BI है ये DBMS का सॉफ्टवेयर नहीं है। इसके बाद है विच DBMS मॉडल हैज अ ट्री लाइक स्ट्रक्चर, यहाँ पे 3 ऑप्शंस है, हायरार्किकल, नेटवर्क, रिलेशनल। कौन सा DBMS मॉडल है जिसमें ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनता है, इसका करेक्ट आंसर जो है ये पहला होगा, हायरार्किकल। हायरार्किकल मॉडल जो है इसमें ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच मॉडल ईच रिकॉर्ड हैविंग मल्टीपल पेरेंट एंड मल्टीपल चाइल्ड, कौन से मॉडल में एक रिकॉर्ड के मल्टीपल पेरेंट और मल्टीपल चाइल्ड हो सकते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है ये नेटवर्क होगा, नेटवर्क मॉडल के अंदर एक रिकॉर्ड के मल्टीपल पेरेंट और मल्टीपल चाइल्ड हो सकते हैं। तो आज के इस MCQ सीरीज में जो है बस इतने ही क्वेश्चंस थे। आई होप कि आप सबको ये लेक्चर पसंद आया होगा और ये सारे क्वेश्चंस इंटरेस्टिंग लगे होंगे। और अगर आपका कोई सजेशन हो रिलेटेड कि और किन टॉपिक्स पे मैं गेट से रिलेटेड वीडियोस लाऊं तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। आप सबका इस लेक्चर में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।